हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू एस एस डी एजुकेशनल क्लासेस एंड आई एम योर फ्रेंड कशिश मेहरा टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अलॉटमेंट ऑफ शेयर शेयर्स क्या होते हैं ये तो आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी देखा हुआ है लेकिन कभी भी कोई एक कंपनी जब शेयर्स अलॉट करती है तो इसका मतलब क्या होता है जैसे कि आपको पता है अगर हमें किसी भी कंपनी के शेयर्स चाहिए तो हमें पहले एप्लीकेशन लगानी पड़ती है कि मुझे आपकी कंपनी में शेयर्स में इंटरेस्टेड है और हम आपकी कंपनी के शेयर्स परचेज करना चाहते हैं अगर हमारी कंपनी जिस भी कंपनी में हमने शेयर्स को इन्वेस्ट किया हुआ है या शेयर्स के लिए एप्लीकेशन डाली हुई है तो वहाँ पे हमें क्या करना होगा अगर हमारा शेयर सेलेक्ट हो जाता है एप्लीकेशन सेलेक्ट हो जाती है तो हमें अलॉटमेंट के लिए एक लेटर आता है अलॉटमेंट का मतलब होता है कि आपका जो आपने एप्लीकेशन डाली थी वो सेलेक्ट हो चुकी है और अभी आपको आगे का पेमेंट करना है तो अलॉटमेंट का मतलब होता है अलॉट करना कि शेयर्स आपको अलॉट कर दिए गए आपने एप्लीकेशन दी थी और शेयर्स आपको अलॉट कर दिए वेन अ कंपनी गिव्स अ शेयर्स टू द एप्लीकेंट बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन सबमिटेड इट इज़ कॉल्ड एज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से अगर हम अलॉटमेंट की डेफिनेशन देखते हैं द अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रिवियसली अनोप्रिएटेड कैपिटल ऑफ द कंपनी ऑफ सर्टेन नंबर्स ऑफ शेयर टू अ पर्सन इज नोन एज अलॉटमेंट अलॉटमेंट क्या होता है एक ऐसा पर्सन जिसने पहले ही एप्लीकेशन दी हुई है कुछ नंबर्स ऑफ शेयर्स खरीदने के लिए जब उसको अलॉट कर दिया जाते हैं शेयर्स उसे हम कहते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर दस एज पर द डेफिनेशन अलॉटमेंट ऑफ शेयर मीन्स अलॉटिंग सर्टेन नंबर्स ऑफ शेयर्स बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेकिन ये शेयर सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेंगे जिन्होंने एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया होगा लेकिन अगर किसी ने एप्लीकेशन ही नहीं दी है तो उससे अलॉटमेंट भी नहीं मिलता द कंपनी इशू प्रोस्पेक्टस एंड एप्लीकेशन फॉर्म कंपनी शेयर्स और एप्लीकेशन फॉर्म भरती है एप्लीकेंट फिल द फॉर्म एंड सबमिटेड विद द एप्लीकेशन मनी टू द कंपनीज बैंक मतलब करना क्या होता है कंपनी एक प्रॉस्पेक्टस इशू करती है उसमें एप्लीकेशन फॉर्म भी होता है जिस जो भी पर्सन उस शेयर्स को परचेज करने में इंटरेस्टेड है वो क्या करेगा वो एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा और एप्लीकेशन मनी जो कंपनी ने बैंक बताई होगी उस बैंक में जाके एप्लीकेशन मनी जमा कर देगा द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव द एक्सेप्टेंस ऑफ सच application इन द बोर्ड मीटिंग by पासिंग अ resolution फिर उसके बाद जब सभी एप्लीकेशंस आ जाती हैं सभी लोग मिलकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलकर एप्लीकेशन को पास करने के बारे में सोचते हैं जो जो एप्लीकेशन सेलेक्ट हो जाती हैं उसे हम कहते हैं अलाटमेंट ऑफ शेयर्स लेकिन अगर हम बात करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज़ अ पावर टू अलॉट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज़ अ पावर टू अलाट द शेयर्स मतलब यहाँ पर अलॉटमेंट किसके हाथ में है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में है और अगर हम बात कर रहे हैं अंडर द कंपनी सेक्ट टू थाउजेंड थर्टीन के हिसाब से कंपनी हैव टू इशू शेयर्स इन द डी मेटलाइज फॉर्म कंपनी को शेयर्स डी मेटलाइजेशन मतलब ऑनलाइन शेयर्स जो रहते हैं उस हिसाब से इशू करने होते हैं अगर कंपनी डी मेटलाइज फॉर्म में इशू करती है तो कंपनी मेक अ पब्लिक ऑफ़र इन एक्सेस ऑफ रुपीज़ टेन करो अगर कोई भी कंपनी डी मेटलाइज फॉर्म में शेयर्स इशू करती है तो उनको ये रूल्स मानने पड़ते हैं सबसे पहला रूल क्या है अ कंपनी मेकिंग पब्लिक ऑफर्स जो भी कंपनी शेयर्स बेचने के लिए निकाल रही है वो कम से कम दस करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी फॉर न्यू इश्यूज विथ इफ़ेक्ट फ्रॉम टेन सेप्टेम्बर टू थाउजेंड एटीन टू थाउजेंड एटीन टेन सेप्टेम्बर के बाद से जो अनलिस्टेड कंपनी है वो न्यू इशूज़ इफ़ेक्ट में डाल सकती है सच अदर शेयर्स या सच अदर क्लासेज और क्लासेज ऑफ कंपनी मे बी प्रिस्क्राइब वो भी इसी रूल के अंदर आते हैं एनी अदर कंपनी कैन इशू शेयर्स इन एनी फॉर्म आपकी मर्जी है कंपनी की मर्जी है वो किस फॉर्म में शेयर इशू करना चाहती है ऑल्सो कंपनी हैज़ अ फ्रीडम टू कन्वर्ट्स इट शेयर इंटू डीमेटलाइज फॉर्म एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ये कंपनी के हाथ में है कि कब वो डीमेटलाइज फॉर्म में करना चाहती है या कब वो रीमेटलाइज फॉर्म में करना चाहती है रीमेटलाइज्ड और डीमेटलाइज का मतलब क्या होता है ये आपको थोड़ा सा वेट करना होगा एक्चुअली इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बता सकती हूँ जब हम ऑनलाइन शेयर्स की बात करते हैं तो उसे डीमेटलाइज कहते हैं और जब हम पेपर फॉर्म में शेयर सर्टिफिकेट की बात करते हैं तो उसे हम रीमेटलाइज करते हैं जिसको हम चेंज करते हैं ऑनलाइन से पेपर फॉर्म में कंपनी इशूइंग शेयर्स द डिमेटलाइज्ड फॉर्म हैज़ टू कंप्लीट द प्रोविजन्स ऑफ डिपॉजिटरी एक्ट कोई भी कंपनी अगर डी फॉर्म में कर रही है इट मीन्स ऑनलाइन शेयर्स बेचने का सोच रही है तो उसे डिपॉजिटरी एक्ट 1960 के हिसाब से सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना होगा तो ये तो था अलॉटमेंट ऑफ शेयर का मीनिंग क्या होता है कुछ प्रोविजंस कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस अलॉटमेंट करते समय हमें ध्यान में करना पड़ता है और उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का देखना पड़ेगा तो होप ए स्टूडेंट्स आपको अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का मतलब पता चल गया होगा उसका मीनिंग समझ में आया होगा अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आया है पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और ज़रूर देखें नेक्स्ट वीडियो जो जो कि रिलेटेड है प्रोविज़न ऑफ़ शेयर्स ऑफ अलॉटमेंट थैंक यू